नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने नगीना सुरक्षित सीट से नामांकन कर दिया है और इसके बाद मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। वेस्ट यूपी की नगीना लोकसभा सीट पर सियासी लड़ाई काफी अहम हो गई है। चंद्रशेखर आजाद की एंट्री के बाद मुकाबला त्रिकोणीय होना तय माना जा रहा है। क्या है इस सीट का राजनीतिक समीकरण, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने नगीना सुरक्षित सीट से अपना नामांकन कर दिया है। बीजेपी ने यहां से ओम कुमार और इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार उम्मीदवार होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में यह सीट बसपा के खाते में गई थी। गिरीश चंद्र यहां से सांसद बने थे। समाजवादी पार्टी ने यहां से मनोज कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है। नामांकन के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, किसानों का शोषण हो रहा है, साथ ही आए दिन गुलदार किसानों की जान ले रहा है, कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। चंद्रशेखर ने इसके अलावा बीजेपी पर कई आरोप लगाए, साथ ही इंडिया गठबंधन पर उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि जो गठबंधन कर रही है वो ठीक कर रही है। आजाद ने कहा कि मेरा किसी भी पार्टी से मुकाबला नहीं है, मेरा खुद से मुझसे मुकाबला है, नगीना के लोग मेरे साथ हैं, ये उनका दावा है। आपको बता दें कि नगीना सीट पर चंद्रशेखर की एंट्री से मुकाबला काफी दिलचस्प और अहम हो गया है, क्योंकि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार में पहले कांटे की टक्कर थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के मैदान में उतरने के बाद समीकरण भी बदलेंगे। आपको बताते चले कि भीड़ जुटाने में चंद्रशेखर का भी जवाब नहीं है। चंद्रशेखर के आने से चुनावी माहौल तो गर्म हो ही गया है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेता भी काफी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर काफी बेहतरीन ढंग से अपनी बात रखते हैं और कोई भी छोटा बड़ा मुद्दा होता है हर जगह वो मौजूद रहते हैं। कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।